राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मासिक बैठक रविवार को पार्टी के मंडल अध्यक्ष पन्नेलाल यादव की अध्यक्षता में गोलघर स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के मंडल अध्यक्ष पन्नेलाल यादव ने कहा कि पार्टी ने संघर्ष के बल पर जनता में अपनी जगह बनाई है। कार्यकर्ताओं का जनता के लिए संघर्ष का सिलसिला जारी रहेगा, तभी हम जनता की आवाज़ को मजबूत करने में योगदान दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। बैठक में हरगोविंद चौबे, बेचन शर्मा, अजय सिंह, अजय कुमार, अमन सिंह, पिंकी परवीन, जितेंद्र चौहान, पूनम आर्या, अश्विनी तिवारी, धर्मेंद्र यादव, राम आशीष सहित अन्य कार्यकर्ता रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए पार्टी के मंडल अध्यक्ष पन्नेलाल यादव ने कहा, जिसमें आज की बैठक का उद्देश्य है कि आज हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ही गोरखपुर जनपद में आगमन होने वाला है। इसी मुद्दों पर हमारी आप सभी लोगों की चर्चाएं होंगी, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, ये सारे लोगों को अपने अपने बातों को रखने का अवसर दिया जाएगा और अपनी अपनी बातों को बड़े, जिसमें इससे पहले हेलमेट भी एक बिल आया था, देश का किसान अपने यहाँ भंडारण की एक सीमा रखता था, उससे ज़्यादा वो भंडारण नहीं कर सकता था, लेकिन उस बिल के अंतर्गत एक ऐसा गोल रखा गया कि जिसमें मेरा नाम पन्नेलाल यादव, मंडल अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आज इसकी बैठक भैया इस संदर्भ में बुलाई गई है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमा शंकर सिंह जी का आगमन गोरखपुर जनपद में होना है, जिसमें संगठन विस्तार हेतु चर्चा की जाएगी। उमा शंकर यादव जी प्रदेश अध्यक्ष का आगमन गोरखपुर में होना है, इसमें अभी संगठन विस्तार हेतु चर्चा की जाएगी और आगे आगामी विधानसभा और अन्य चुनाव के अंतर्गत हम लोग रणनीति बनाएंगे। उस संबंध में हमारे अध्यक्ष का और संगठन विस्तार हेतु ये मीटिंग आज बुलाई गई है, जो अपने विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के माध्यम से आगे का संगठन विस्तार हेतु आगे चर्चा की जाएगी।